छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन योजना का फायदा अगले 5 साल तक बढ़ाएगी। वहीं चुनावी रैली में पहुंचे पीएम मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर 9,500 करोड़ के घोटाले के गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चहितों को नौकरी देने के लिए यहाँ पर पीएससी घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दुबई में बैठे सट्टेबाजों के करोड़ों रुपए जब ईडी ने पकड़े तो यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिर क्यों बौखला गए? इन घोटालेबाजों के साथ में उनके क्या संबंध है? पीएम मोदी ने कहा कि आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो यहां एक ही बात बोली जाती है, 3% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इस सरकार ने छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है कि औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो। जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे। कोई भी मां खुद पेट बांध कर सो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूख से पिरकता हुआ नहीं देख सकती। कोई भी पिता मजदूरी करनी पड़े तो करेगा, रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा करेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया, पूरी दुनिया संकट में थी। तब मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा, और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया, गरीबों के बीच से निकल करके आया, आपका बेटा, आपका भाई, और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी।